मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। मेरी अभी अभी एक नई पुस्तक छपके आई है, जैन आचार्य प्रदीपिका। तो अभी मेरे चित्त में यही घूम रही है, इसमें बहुत सारे लेख हैं जैन धर्म के सिद्धांतों पर, अहिंसा पर, जैन धर्म का जितना चरणान योग है उससे संबंधित इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। 60 लेख हैं छोटे छोटे, एक एक लेख बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई कई बार खुद पढ़े हैं, तो मैं उनमें से एक लेख आज आपको सुनाता हूँ। लेख का शीर्षक है धर्म और पर्यावरण, जैन धर्म के विशेष संदर्भ में। अभी जो मैंने मंगलाचरण किया वो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण किया, और तत्वार्थ सूत्र में दो सूत्र आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, छठे अध्याय में। छठे अध्याय में 15 नंबर पर एक सूत्र लिखा है कि बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, के बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक आयु का बंद होगा। और फिर लिखा कि अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, और यदि अल्पारंभ परिग्रह में रहोगे तो मनुष्य आयु का बंद करोगे। आरंभ और परिग्रह माने क्या? आरंभ माने क्या? दुनिया में आरंभ का मतलब होता है प्रारंभ, स्टार्ट करना, शुरुआत, पर यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ आरंभ का मतलब है प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी क्रिया जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुँचे वो सब आरंभ है। आरंभ की परिभाषा याद रखनी है। जैन धर्म बार बार कहता है कि अल्पारंभ करो, अल्पारंभ, अल्पारंभ परिग्रह। तो अपने को आरंभ शब्द का मतलब पता नहीं होगा तो अपन कैसे समझेंगे? तो एक तो ये याद रखो कि आरंभ माने क्या, प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार को आरंभ कहते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमारी, वो सब क्रिया के जिससे किसी जीव को पीड़ा पहुँचे। जैसे अपन जमीन खोद रहे हैं, इससे बहुत जीवों को पीड़ा हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर कितने चींटियों के बिल है, कितने क्या क्या सूक्ष्म जीव उसमें बहुत होते हैं। पृथ्वी खुद अपने आप में जीव है, पृथ्वी को भी पीड़ा हो रही है। तो इसका नाम आरंभ है। अपन ने पंखा चलाया तो पंखा चलाने से भी बहुत सूक्ष्म जीवों को पीड़ा हो रही है। अपन ने कपड़े धोए, नाली में साबुन का पानी गया, नदी में गया, तो उससे बहुत जीवों को कष्ट हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी अपनी जिंदगी में, सुबह उठकर शाम तक, अपन सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, लेट्रिन जाते हैं, तो उसमें वो भी सब आरंभ है। अपन नहा रहे हैं तो ये भी आरंभ है, खाना बना रहे हैं तो ये भी आरंभ है। तो इसलिए यहाँ ये नहीं लिखा कि तुम बिल्कुल आरंभ परिग्रह मत करो, क्योंकि वो संभव नहीं है। बिना आरंभ के हम और आप रह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अल्पारंभ, कम आरंभ करो,
ज़्यादा मत करो, ये बोलना भी आरंभ है, बोल रहे हैं ना, बोलने से भी वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, उनको पीड़ा हो रही है। अपन ने माइक चलाया उससे भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जिनसे सूख इस सृष्टि में बहुत सारे जीव सूक्ष्म भरे हैं लबालब। अपन को दिख अभी यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं, अपन को ये जो बड़े बड़े मनुष्य बैठे दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, और जो यहाँ पर सूक्ष्म जीव है वो दिख रहे हैं क्या? वो नहीं दिख रहे, लेकिन वो भी यहाँ पर है और उनको भी पीड़ा होती है। इसलिए कहा कि कम से कम आरंभ करो, ज़्यादा आरंभ मत करो। इससे क्या होगा, एक तो आपकी धर्माराधना अच्छी होगी, दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं होगी, जीव दया पलेगी, अभयदान मिलेगा उनको। आप दूसरा फायदा ये होगा कि आप धर्म की प्रभावना ज़्यादा कर पाओगे, बहुत लोगों को सुख शांति मिलेगी। जैन धर्म सब जीवों का भला चाहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी। हम लोग रोज प्रतिक्रमण करते हैं, पूजा में, प्रक्षाल में, शांति पाठ में, मेरी भावना में, सब जीवों की मंगल कामना। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी हमारे निमित्त से कोई कष्ट न हो, ऐसी भावना जैन श्रावक रोज भाता है। सब जीव सुखी रहो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, कोई कभी मरे नहीं, नहीं कोई किसी को डर भी ना लगे। तो इतना ये जो जोर दे करके कहा गया है कि अल्पारंभ रखो, इसका एक और विशेष फायदा है। फायदा ये है कि आजकल पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा इन बच्चों को पूछो, स्कूल कॉलेज सब जगह एक ही बात चल रही है। सारे विश्व में आजकल जो सबसे ज़्यादा करंट टॉपिक है वो टॉपिक है प्रदूषण। पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है, संसार में पानी है नहीं, और है तो गंदा हो गया, जहरीला हो गया, जहरीला हो गया, हर चीज जहर बनती जा रही है। सब्जियां, फसल, पृथ्वी प्रदूषित हो गई है। पहले हमारे यहाँ की पृथ्वी इतनी उपजाऊ थी कि सोना उगलती थी, इतना अनाज, फल, सब्जियाँ बढ़िया से बढ़िया पैदा होता था कि खाने वाले नहीं बचते थे, ढेरों पड़ा रहता। हमारे यहाँ इतना अनाज पैदा होता था, लेकिन अब हमने केमिकल डाल डाल के, कंक्रीट डाल डाल के, पॉलीथीन डाल डाल के, सब इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा डाल डाल के ज़मीन की हालत ख़राब कर दी। ज़मीन वैसी नहीं बची जैसी पहले, ज़मीन में जो सब्जी आती थी, जो आम आते थे, जो उनका स्वाद और ही था। ये तो अपन ही जो लोग आज जिंदा है, अपने बचपन के ही देखो तो जो स्वाद बचपन में अपने को चीज में मिल रहा था वो स्वाद अब नहीं बचा। और अगर 100 साल पहले कैसा स्वाद होगा, तो स्वाद और धीरे धीरे, और 100 साल बाद कैसा होगा। एक कवि ने सुनाया, पहले हमारे देश में दूध की नदी बहती थी, अब दूध की थैली आती है। और बाद में, और अभी 50 साल बाद देखना, दूध के पाउच आया करेंगे छोटे छोटे, जो डॉक्टर बताएंगे कि इस बच्चे को तबीयत खराब है, इसको एक पाउच, जैसे टैबलेट देते हैं ना, ऐसे इतनी बुरी हालत। आप सोचो ना इस दुनिया के,
तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी बुरी हालत है। अपन यहाँ बैठे हैं तो अपने को पता नहीं है, पर आजकल सब लोग चिंतित है, बड़े स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का, वायु हवा ऐसी हो गई है इतनी जहरीली। कभी कभी हमारे दिल्ली में साल में 8-10 दिन ऐसे आते हैं कि जब 10 दिन तो हम घर से निकल ही नहीं सकते, निकले तो मरे, 10 दिन घर में रहना पड़ता है। इतनी जोर से अखबार में छपता है कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, गैस बन गई, इतना भयंकर प्रदूषण है। आज इतना कैंसर क्यों हो रहा है लोगों को, इतनी बीमारियां क्यों? पहले कोई बड़ी मुश्किल से कोई बीमार होता था और वो भी जरा सा कोई चूरन गोली वैद्य जी देते थे, बस छुट्टी जाओ। और आजकल कितने अस्पताल हैं, और किसी भी अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, आप जाओ तो खाली नहीं मिलेगा, भरे पड़े हैं इतने। तो क्या चक्कर पड़ रहा है, क्यों इतनी बीमारी बढ़ रही है, क्यों इतना पानी खराब हो रहा है, क्यों इतनी ज़मीन खराब हो रही है, इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? तो उसका उत्तर ये है, हमारे आचार्यों ने कहा कि भाई तुम बहुत आरंभ परिग्रह कर रहे हो, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है बेशुमार, इतना तो पानी फैलाया जा रहा है, धड़ाधड़ पानी फैलाया जा रहा है, और इतनी गंदगी फैल रही है, हर चीज के छोटे 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 प्लास्टिक में पैक आते हैं, सारी ट्रेन में प्लेन में खाना दे रहे हैं पैकिंग में, प्लास्टिक की पैकिंग में। और ये जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक आप जमीन में डाल दो ना, 2-2, 4-4 हजार साल तक गलती नहीं है। पहले पानी पीते थे कुल्लड़ में, जिला मिट्टी के कुल्लड़ में, और वो डाल देते थे तो क्या है, घंटे दो घंटे में मिट्टी बन जाता था। अब पीते हैं प्लास्टिक के गिलास में, गन्ने के जूस, फलाना जूस, सब प्लास्टिक की बोतलों का भरमार है। और वो प्लास्टिक इतना सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कोई चीज़ है तो वो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक की वजह से, एक तो प्लास्टिक गलता नहीं है, खेत में डल गया तो फल नहीं, सब्जी पैद, खेती ढंग से नहीं होने देगा। और कभी कितनी हजारों लाखों गाय मर रही है, आप तो पॉलीथीन में गुड़ खरीद के लाए, मिठाई खरीद के लाए, आपने तो मिठाई निकाल के खा ली और वो पॉलीथीन फेंक दी। अब वो बेचारी गाय भूखी घूम रही है, वो उस जरा से गुड़ को चाटने के चक्कर में पॉलीथीन खा गई, फंस गई, और कितनी मर गई हमने खुद देखी है, कितनी गाय भैंस हमने मरते देखी है। और बताओ, सोचो तो, जाने अनजाने में जो जीव आरंभ करते हैं, बहुत आरंभ करते हैं, वे बहुत बड़ी हिंसा करते हैं। देखो, आपसे एक चींटी मर जाए तो आपको क्या लगेगा, मैंने हिंसा की। हमारा मूल धर्म क्या है, अहिंसा। तो अपन अहिंसा कैसे पालते हैं, मोटी मोटी, अपने हाथ से पैर से चींटी मरे तो हमको लगता है हमने हिंसा की। लेकिन अपन जो प्रदूषण फैला रहे हैं अपने निमित्त से, वो कितना बड़ा पाप है आपको पता नहीं है? छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, जो बेचारे नए नए दुनिया में आए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, पर आपने सारी हवा गंदी कर रखी है, जहर फैला रखा है। कितना लेड डालते हैं, सेल डालते हैं, जो कंप्यूटर का कचरा है ना, बहुत गंदी गैसें निकलती है। एसी चला रहे हो धड़ाधड़, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा, ऐसा समाचार आ रहे हैं। पानी नहीं लोगों के पास में,
आप देखना तमाशा थोड़े दिन बाद में, पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो कभी चिंता करके, ये बात मैंने इस लेख में लिखी है कि भाई इस विषय पे सोचो, और अपने निमित्त से यदि थोड़ा सा भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हो तो उसे रोको। अपने निमित्त से मत, अपने बैग में, अपने पास में कपड़े का थैला रखो और थैले में लेके आओ सामान। एक तो ये इस तरह से कुछ काम करो, जो जो अपने से बन सके वो करो। देखो आपको दो चार लाइन पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा। पर्यावरण प्रदूषण आज का सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दा है। आज इसने सारे विश्व को चिंतित होने पर मजबूर कर दिया। मैंने ये कोई जैनियों का अकेला टॉपिक नहीं है, ये अकेले भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये तो सारे दुनिया की लड़ाई है। ये एक खतरनाक चीज से अपने को मुकाबला करना है। क्या करोगे आने वाले समय में? सब खत्म हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो, और सबको मिलके ध्यान और देना है। देखो पर्यावरण प्रदूषण ने न केवल किसी एक देश विशेष को हानि पहुंचाई है, अपितु समूची जीव जातियां इस भयंकर खतरे की चपेट में आ गई है। अनेक प्रजातियां तो नष्ट ही हो गई। बहुत सारे जीव, एक गोरैया चिड़िया खत्म है दिल्ली में, एक नहीं, प्रदूषण के मारे। जब बहुत जहरीला ये पटाखे चलाते हैं, पटाखे चलाना महान अपराध है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। कितनी खतरनाक धुआं निकलता है, कितने लोगों को, लाखों लोग हर साल लंग्स के कैंसर से मर रहे, फेफड़े का कैंसर हो रहा है। और लोग व्यापार के खातिर भी ऐसे ऐसे धंधे कर रहे हैं, पर देखो क्या करे, अपन अपने को संभालो, जितना कोई को संभाल सको उसको संभालो। अहिंसा परमो धर्म, हमारे निमित्त से सूक्ष्म जीव को भी पीड़ा न पहुंचे। देखो इतिहास उठाकर देखें तो ज्ञात होता है कि विपदाएं तो प्राचीन काल में भी बड़ी बड़ी आई थी, पर उनसे एक सीमित क्षेत्र में ही नुकसान होता रहा है। परंतु पर्यावरण प्रदूषण तो आज एक ऐसे सर्वग्रासी राक्षस के रूप में हमारे सामने आया है जिसने कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ा है। अनेकानेक सज्जन, निर्दोष लोग और छोटे छोटे बच्चे तक भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण मां दुख उठाते हुए असमयी काल के गाल में जा रहे हैं। आपने प्रदूषण फैलाया, हजारों मछलियां मर गई। एक गाय का क्या कसूर था बिचारी का, क्यों मर गई? तड़प तड़प के मरती है, बुरी तरह तड़प तड़प के मर, चार चार दिन तड़पती रहती हैं। कौन है उसकी हत्या का जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है बताओ, किसको दो जिम्मेदारी? तो ये और कितने ही तो बिचारे, देखो किसी सज्जन श्रावक को जो शुद्ध खाना खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, उसको कैंसर हो गया, कौन जिम्मेदार है? जिसने हवा गंदी की, जिसने सब्जी फल में जहर मिलाया, वो जिम्मेदार है। और वो उसको पता नहीं है मैंने क्या किया, मैं तो ज्यादा पैदा करने के चक्कर में। इतने खतरनाक काम लोग कर रहे हैं जाने अनजाने में कि जीवों का पुण्य छीण हो रहा है। ये पंचम काल में बहुत बुरी हालत हो रही है। इसलिए कहा, देखो दुनिया में कभी बहुत युद्ध हुए, बहुत महामारियां फैली, महाभारत हुआ, पर महाभारत से कितना नुकसान हुआ? महाभारत सबसे बड़ा युद्ध था, पर कितना नुकसान हुआ? सिर्फ वहां हस्तिनापुर में,
वहाँ लड़ाई हुई, 18 चोरणी सेना मनुष्य मरे, लेकिन अब इससे प्लेग फैला, तो सूरत में प्लेग, गुजरात में प्लेग, तो गुजरात में मर गए लोग, गुजरात में प्लेग फैला, लेकिन प्रदूषण से गुजरात राजस्थान पंजाब कोई भेद, प्रदूषण ने कोई भेदभाव कर रखा है कि राजस्थानियों को नहीं मारूंगा मैं? तो आज कोरोना क्यों फैला इतना ज्यादा? तो एक तो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है, जंगल कम हो रहे हैं, जंगल कम होने से वर्षा कम हो रही है, जंगल कम होने से जंगली जीवों का सारा बैलेंस खत्म हो रहा है, और बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है। आदमी को तो हाय तोबा है, बना दो और कॉलोनी और कॉलोनी और कॉलोनी, दे कॉलोनी काट, दे कॉलोनी काट, अनाज का उत्पादन नहीं, सीमेंटेड मकान बना रहे हो, एसी लगा रहे हो, सब तुमको चाहिए सुविधा, दूसरा जाए भाड़ में। ये जो हालत चल रही है ये बहुत पाप बंद का कारण है, इससे जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। महादुख पाता है वो जो औरों को दुख देता है, ये नियम है। और महासुख पाता है वो जो औरों को सुख देता है, एक नियम है। आप दूसरे को दुख दोगे तो आपको भी गारंटी से दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कभी किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए। शत्रु का भी भला हो, उसको भी सद्बुद्धि मिले, उसका भी बढ़िया भाव हो, उसके गलत काम छूट जाए, उसका हित हो, ऐसे सोचते हैं हमारे यहाँ। और जरा जरा सी बात का जैन धर्म में एक बूंद पानी मत फैलाओ उपदेश है आज भी। देखो अगर आप दुनिया को, सब लोग ये कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं जो जैन नहीं है, वो कह रहे हैं भाई जैन धर्म के हिसाब से अगर हम चलते तो आज ये विश्व में इतना प्रदूषण नहीं होता। सब हमारे यहाँ अनर्थ दंड व्रत है, तुम नहाओ मना नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा मत फैलाओ, नहा लो जब तो नल बंद कर दो भले आदमी। सब चीजों को विवेक से, जरा जरा सी चीज को, वही ज्यादा पानी फैला के ज्यादा अच्छा नहा सकते हैं क्या? ऐसे नियम है क्या? एक आदमी ज्यादा फैला के भी बढ़िया नहीं नहाएगा, और एक आदमी कम में भी अच्छे से नहा लेगा। अच्छा ज्यादा गैस जलाओ, ज्यादा आग लगाओ तो बढ़िया रोटी बनती है क्या? ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, सेकने वाले बढ़िया ढंग से सेक लेते हैं। तो आग बचाओ, पानी बचाओ, पृथ्वी, पेड़। एक दफे गांधी जी चरखा कात रहे थे, तो उन्होंने सरोजनी नायडू से कहा एक पत्ता लाना चरखे में लगाने के लिए, एक पत्ता चाहिए था कसने के लिए, एक पत्ता लाना, तो वो एक डाल तोड़ के ले आई। तो ऐसे देखे सरोजनी, एक पत्ता चाहिए था, ये 1000 पत्ते ले आई। अगर सब ऐसे करेंगे तो एक पत्ते की जरूरत है तो एक लो। अपने यहां सटलेशिया का उदाहरण बना हुआ है, देखो वो दीवार पे 6 लो, बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसको सबको बताओ और इससे बहुत सीख लो। ये जो हर मंदिर में, हर जैन मंदिर में आपको ये चित्र मिलेगा, 6 लोगों को जामुन खाने की इच्छा हुई। देखो कितना बढ़िया उदाहरण है कि 6 लोगों को जामुन खाने की इच्छा हुई,
जामुन खाने गए जंगल में, तो एक ने दूर से जैसे ही जामुन का पेड़ दिखाई दिया तो बोला, मिल गया मिल गया, अभी आओ काटता हूं पेड़ को, जामुन खाएंगे। तो दूसरा बोला, क्या बोला, पेड़ काटता हूं, अपन जामुन खाने आए, पेड़ काटने की क्या जरूरत है, पूरा पेड़ मत काटो, एक पूरी शाखा काटो। तो तीसरा बोला, शाखा भी काटने की क्या जरूरत है, छोटी शाखा काटो जिस पे जामुन लगे हैं। चौथा बोला, तो उसकी भी क्या जरूरत है, गुच्छे काटो ना, गुच्छे जामुन के गुच्छे काटो। पांचवा बोला, गुच्छे भी पूरे काटने की क्या जरूरत है, गुच्छे में तो कच्चे पके सब है, पके पके तोड़ो ना। छठा बोला, अरे तो पके पके असली ओरिजिनल बढ़िया मीठे जामुन खाने हो ना, तो वो तो अपने आप पक्के नीचे गिरे, देखो ये उठा उठा के खा लो, पेड़ छूने की जरूरत ही नहीं है, पेड़ छूने की जरूरत ही नहीं है। अब कितनी बढ़िया बात है, मैं तो गदगद रहता हूं। देखो हर चीज, लोग पानी बचा जरा फेंक देते उठा के। एक दफे ऐसी भी घटना, गांधी जी बहुत अपरिग्रही थे, बहुत अहिंसक थे। एक दफे वो यहाँ पानी का घड़ा रखते थे उस पर लोहे के स्टैंड पे और काम करते थे अपने कमरे में। तो एक दिन 4 बजे की बात है दोपहर में, कि घड़ा आधे से कम घड़ा पानी का था, तो कोई कर्मचारी आया और उसने देखा पानी कम है, तो वो पानी फेंक के दूसरा पानी घड़ा भर के ले आया और घड़ा रखा था। जब गांधी जी पानी पीने उठे तो उनने देखा, ये क्या, अभी तो घड़ा कम था और अब ये फुल कैसे भर गया। उनने उससे पूछे, भाई ये घड़ा फुल कैसे भर गया, तूने भरा? बोले, हाँ मैंने भरा। तो इसमें जो पानी था उसका क्या किया था, उसमें ही भर दिया? नहीं नहीं, वो मैंने फेंक दिया, दूसरा भर दिया। तो बोले, भाई मेरा आज के हिस्से का पानी तो तूने फेंक दिया, मेरे आज पानी का त्याग है, आज पानी नहीं पीऊंगा, मेरे हिस्से का पानी तूने फेंक दिया। हम लोग नदी में क्यों नहीं नहाते, ये गंगा मैली हो गई, बताओ सारी नदियां जो हमारे देश की जान थी, जिनकी वजह से लोग सुखी थे, निरोग रहते थे, वे सब नदियां आज गंदी हो गई, जहर उगल रही है। गंगा जमुना सब जो कितनी बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी नदियां, वो सब बेकार हो गई। इसलिए बहुत सावधानी रखो, फूंक फूंक के कदम रखो, जरा सा भी काम करो तो सोच विचार के करो, हिंसा ना हो, आरंभ ना हो, परिग्रह ना बढ़े। देखो आपको एक बात बताऊं, हमारे आचार्यों ने लिखा एक, कितनी बढ़िया बात लिखी सोचो, उनने कहा चंदन लिखना हो ना, चंदन, तो चंदन लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो चे लिखो, आधा ने लिखो, फिर दे और ने, और एक चे के ऊपर बिंदी लगाओ और दन लिखो, चंदन, 2 तरीके हैं। तो बोले कौन सा सही है, तो बोले बिंदी लगा दिया करो, आधा ने मत लिखा करो। बोले ऐसे क्यों कह रहे हो, दोनों ही तो सही है। बोले नहीं, दोनों सही नहीं, तुम तो ना ऊपर बिंदी लगा दिया करो। बोले ऐसे क्यों, कि ऊपर बिंदी लगाओगे तो कागज कम लगेगा, स्याही कम लगेगी, समय कम लगेगा। मान लो ये पूरी किताब है और इस पूरी किताब में सब जगह ऐसे आधे ने मिटा मिटा के बिंदी लगा दो, तो ये किताब है ना, 1 पेज 2 पेज कम हो जाएंगे, 2 पेज कम हो जाएंगे, ये 224 पेज की है ना, तो 222 की रह जाएगी, और 1000 किताब छपी है तो कितने पेज बच गए, 2000 पेज बच गए। और ये पेज कैसे बनते हैं, पेड़ों से, तो पेड़ बच गए,
मैंने कितनी कितना सोचा है कि जरा जरा सी चीज को। पहले बड़े बड़े लोग क्या करते थे कि ये जो खराब फालतू मुंशी प्रेमचंद ने सारी किताबें, ये जो अखबार, ये गांव में पोस्टर फेंकते हैं ना छपाने वाले, प्रचार करने वाले, चुनाव वोट देने वाले, वो कागज पड़े मिल जाते थे, उन कागजों पे लिख लिया पूरा गोदान उपन्यास। पूरा गोदान उपन्यास की मूल पांडुलिपि चुना पुराने कागजों पे, एक साइड खाली रहते हैं ना, मैं कोई एक साइड का खाली कागज हो ना तो फेंकता नहीं, उसी कागज पर पीछे की तरफ लिख लेते हैं, उसको काम में ले लेते हैं। बचाओ चीजों को, ये सब रिसोर्सेज, दुनिया के साधन कम है। कबीर दास ने लिखा, जो की त्यों धर दीनी रे चदरिया। हम धरती पर बोझ बन के नहीं आए, यहां के सामान खर्च करो चले जाओ, खर्च करो उससे ज्यादा पैदा करके जाओ। इसलिए प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण फैलाने वाला महान हिंसक है, छोटा मोटा हिंसक नहीं है। एक चींटी को मारने से ज्यादा पाप लगेगा कि प्रदूषण फैलाने से ज्यादा पाप लगेगा? कितनी बड़ी बात है। एक मच्छर को तो अपन नहीं मारते हैं और काम ऐसे करते हैं कि लाखों चिड़िया मर जाए, ऐसा काम क्यों करना? इसलिए सावधान रहो। और फिर एक और बहुत खास बात लिखी है इसमें, ये लिखी है बहुत से लोग तो धर्म के नाम पर प्रदूषण फैला रहे। नया पॉइंट है, एक तो ऐसे ही प्रदूषण फैला रहे सांसारिक कामों के लिए, विषय भोग के लिए, लेकिन कितने ही लोग तो धर्म के नाम पर प्रदूषण फैला रहे कि क्या धर्म होगा गंगा जी में शव बहाया हो, गंगा नदी में शव बहा रहे, नदियों में क्या क्या बहा रहे बताओ, कितनी चीजें गंदगी, कितनी। अगर नदी में ये श्राद्ध करने जाओ, ये करो वो करो, इसकी वजह से भी धर्म के नाम पर बहुत सारे प्रदूषण तो धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे, बताओ ये तो डबल गलती हो गई। माने धर्म तो कम से कम पर्यावरण की रक्षा का नाम धर्म है कि पर्यावरण को दूषित करने का नाम धर्म है, लेकिन लोग है ना सब चीजें, कितनी मूर्तियां बहाते, दिल्ली में बंद कर दी जमुना में मूर्तियां, वो बहुत साहब 8-9 दिन पूजा करेंगे फिर लाखों मूर्तियां बहाए आएंगे, मूर्तियों में केमिकल लगाए, पेंट लगाए, वो मूर्तियां सब जा जा करके नदी को गंदा कर, समझ में आया आपको? खूब 8-9 दिन तक पूजा करेंगे, मूर्तियों को घर में रखेंगे और उन पर केमिकल पोत रखा है और वही नदी 8 दिन बाद जाकर के सब बाहर आएंगे तो कितनी नदी गंदी होगी। इसलिए कि माने धर्म के नाम पर बलि दे दी जा रही है, कितनी जीवों की हिंसा, उल्टे धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो कम से कम सारे दुनिया के धर्म गुरुओं को इस मामले में एक होना चाहिए कि भाई जिस काम से प्रदूषण हो, पर्यावरण गंदा हो, आज हमको आपको सबको जिंदा रहना है कि नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रहना है कि नहीं, सोचो। आप प्रदूषण फैला के लाखों मनुष्यों की हत्या में जो पाप नहीं है, उतना बड़ा पाप प्रदूषण फैलाने में है, ये सोच लो। अगर हमारे निमित्त से प्रदूषण फैला तो समझ लेना हमारी उत्तम गति होने वाली नहीं है। 1000 आदमियों को मारने से जो पाप होगा ना,
उससे ज्यादा पाप इससे होगा। इसलिए अब जैसे बताया ना, पटाखे चलाना होली पर, कितना सारा पानी फैलाना, कितना सारा, कितनी नदियों में फिर नहाना, फिर ढेर सारी नदी गंदी हो पूरी। मान लो होली के बाद में गंगा देखने जाओ ना, जमुना देखने जाओ, तो सॉरी सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक रंगीन पानी सारी। ये छोटे मोटे पाप नहीं है। आप सोच रहे होगे, आप जाने हमको क्या शिक्षा दे रहे हो। ये किसी किसी को तो सुहाएगी नहीं ये बात, किसी किसी को तो ये बातें सुहाएगी नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे निमित्त से कोई हमको दुखी करे तो कैसा लगे। हम कितने जीवों के दुख में निमित्त बन रहे हैं, जाने अनजा। वैसे तो क्षमावाणी मनाएंगे, वैसे तो पानी छान के पिएंगे। अपन कितना ध्यान रखते, छोटे छोटे सब जीव सुखी रहे तो सुखी रहने का धंधा करना, दुखी करने का तो धंधा करते हैं। अपन रात को खाना क्यों नहीं खाते, रात को चलते नहीं, रात को मंदिर में घंटी नहीं बजाते। देखो एक बात और, एक और नया पॉइंट है, जैन धर्म सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है। जैन धर्म जितना पर्यावरण प्रेमी आपको दुनिया का कोई धर्म नहीं मिलेगा। जैन धर्म में जरा जरा सी बात, रात को घंटी मत, रात को परिक्रमा मत लगाओ, रात को ये मत करो। सारे जैन साधु रात को बोलते भी नहीं, मौन हो जाते। रात को तो बोलना भी नहीं चाहिए। अरे ये पशु पक्षी अच्छे अपने बैठ जाते। रात तो ध्यान के लिए होती है, ध्यान करो, चिंतन करो। बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो पाप का ढेर बंधेगा, अशुभ कर्म बंधेंगे और वो सब फल में आएंगे, तो अगला जन्म अच्छा होने वाला नहीं है। ऐसे भरोसे में मत बैठे रहना कि अपन तो जैन है सो अपने तो बढ़िया ही हो जाएगा सब। ऐसे नहीं बढ़िया होगा, बहुत हिंसा होती है पानी से, अग्नि से। अग्नि जलती है तो वायु कायिक जीवों को पीड़ा होती है ना। कम से कम जितने में अपना काम चल जाए उतने में चलाओ, ऐसी सावधानी। इसमें देखो कितने लोग बच सकते हैं। अरे पहले तो है ना, इनकी इनकी पूजा करते थे, पूजा इसीलिए करते थे। तुलसी से भी दो पत्ते लेने हो ना तो दो पत्ते लेते हैं, ऐसे ही नहीं लेते, माफी मांग के लेते हैं। हमारे यहाँ कोई चीज, कोई फल फ्रूट, आप जानते हो अपन लोग जो भोजन करते हैं ना, वो खाली शाकाहार नहीं करते हैं, अहिंसक शाकाहार करते हैं। शाकाहार और अहिंसक शाकाहार में फर्क है। मांसाहार तो करते ही नहीं, शाकाहार करते हैं। शाकाहार में भी अहिंसक शाकाहार। अहिंसक शाकाहार क्या होता है, जैसे समझ लो आपने खेत में गेहूं लगाए तो उनको खाद देंगे, पानी देंगे, खूब उनकी जितनी जिंदगी उनकी है ना उतनी उनकी पूरी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, उनको पालेंगे अपने बच्चे की तरह। और जब वो अपनी मौत मर जाएंगे, सूख जाएंगे, चार दिन खड़े हैं, जब उनमें कुछ नहीं बचा जान, तब जाके वो सिर्फ लकड़ी रह जाएगी सूखी, तब उनको पीस के अपनी भूख मिटा लेंगे। बस कोई जिंदा पेड़ नहीं काम में लेते। बहुत से लोग तो कोई पत्तियां नहीं खाते, कितनी सावधानी रखते हैं। बड़े बड़े कितने कितने महाराज क्या क्या करते हैं, कुछ नहीं। अपने को कितना विवेक की जरूरत है बताओ। जरा से स्वाद के लोभ में, जरा से
पांच इंद्री के विषयों के लोभ में बहुत। देखो कितना बढ़िया सूत्र उमा स्वामी महाराज ने लिखा, बहु आरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुष। सोच लो भैया, अगले जन्म में नरक में जाना है कि मनुष्य बनने की भावना है? और मनुष्य बनना हो तो अल्पारंभ परिग्रह, अल्पारंभ परिग्रह रखोगे। देखो कैसे कैसे हमारे यहाँ गर्म पानी में ठंडा नहीं मिलाते थे, जैन घरों में कैसी कैसी परंपरा रही, अष्टमी चतुर्दशी को साबुन मत लगा। अरे दो चार नियम रखो जिंदगी में, नियम जिसके होगा ना वो तर जाएगा। नियम ऐसे है वो जैसे सुई नहीं खोती ना धागे में, ऐसे जिसके एक बरत की आंकड़ी चांडाल ने चौदस के दिन की ली, चांडाल ने चौदस के दिन हिंसा नहीं करूंगा, और इतने नियम का क्या फायदा हुआ उसको। तो अपने भी नियम होना चाहिए कि अष्टमी चतुर्दशी वो तो कम से कम कुछ करो। कैसी कैसी बात है देखो, एक एक बूंद हमको याद है। हम देखते थे पानी कैसे छानना सिखाया जाता था, बर्तन कैसे मांजने, ये सब सीखने की जरूरत है। धड़ाधड़ खोल दिया नल और चल रहा है काम, ऐसे नहीं चलते। सब चीजें बड़े विवेक से ना की जाती है। आटा लगाते हैं तो एक आदमी तो पूरी परात सान देगा, आधे फैला देगा, और आधा कैसे कैसे से रसोई बनाने बनाने के तरीके में बहुत विवेक है, कपड़े धोने में विवेक है। कैसे कोई चीज पे जरा सा भी है ना हम लोग बहुत ध्यान रखते। पशु पक्षी के आकार की मिठाई नहीं खाना, आकार भी है। बाजार में आती ना ट्रॉफी बना देते मछली, अरे हम कैसे खा सकते हैं अब इसको, ये तितली बना दी, तितली हम कैसे खा सकते हैं भाई, पर लोग धड़ल लेते। तो अपने यहाँ बचपन से ऐसे संस्कार दिए गए, कोई लट निकल जाए अनाज में तो ऐसे ही नहीं फेंकते, कहीं दूर छाया में पेड़ में अच्छी जगह छोड़ते हैं, वो उसकी भी ध्यान। कोई जुआ निकल जाए तो उसकी भी ध्यान रखते हैं। बताओ, चमड़ा नहीं पहनते। देखो चमड़ा पहनना भी बहुत बड़ा पाप है। आप चमड़ा पहनते हो इसलिए जीव कट रहे हैं, आप नहीं पहनो तो, मान लो सब कोई भी चमड़ा नहीं पहने तो जीव क्यों कटेंगे। ये सौंदर्य प्रसादन यूज करते हो तो इससे बहुत दिक्कत है। अपन मंदिर में भगवान के आगे फूल नहीं चढ़ाते, सारी दुनिया चढ़ा। तो जैन धर्म बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है और वो चाहता है सब सुखी रहे, वृक्ष सुखी, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। कोई पशुओं को बीमारी फैल जाती है भयंकर तुम्हारी गलती से, इसलिए अगर अपन ध्यान रखे ये समझ लो पर्यावरण बचाओ। पेड़ पौधे काटने की बजाय लगाना चाहिए, वो है पेड़ पौधे है तो हवा साफ होती है। ये पानी कैसे ठीक रहे, हवा कैसे ठीक रहे, उस सब का एक रामबाण उपाय है, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वनस्पति, वनस्पति नाम क्यों है इसका, वन का पति। पेड़ है तो सब है। तरु तरंती आपदम अनेनीति तरव, तो इसलिए
हम जैन धर्म के अनुयायी बड़े अहिंसक अपने को कहते हैं, लेकिन हमसे जाने अनजाने में यदि प्रदूषण फैल रहा है तो समझ लेना हम महान हिंसा के भागी बन रहे हैं। इसलिए अपनी तरफ से तो कोई सरकार डंडा लाएगी तभी प्लास्टिक बंद करोगे क्या? अपनी ये जिनवाणी का डंडा सरकार से छोटा है क्या? तो कोई बंद करो, अपन कोई अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं करेंगे। सब चीज़ों का इस्तेमाल बंद करो। ये बोतल सब पड़ी हजार हजार साल तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म करती है। बहुत जीव मरते हैं जाने अनजाने में। इसलिए अपने को सुखी रहना है तो सब सुखी रहे ऐसी भावना भाव और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचो, ये इसका संदेश है। बोलो जिनवाणी स्तुति।